The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, how are you today? I am Dr. Paramjeet, you are watching Dr. Education. So, today we will talk about electrolytes. Electrolytes, आपके शरीर में क्या वो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके ना सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए, अगर वो कम ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए आपके शरीर में, तो लिटरली कोई भी सिस्टम आपका सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इतने ज़रूरी हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। सो क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स? बेसिकली आपके वो मिनरल्स हैं, वो ट्रेस अमाउंट के मिनरल्स हैं जो आपके शरीर में चाहिए होते हैं और उनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, प्लस या माइनस चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके ब्लड में होते हैं, आपके यूरिन में होते हैं, आपके बॉडी के टिश्यूज में होते हैं और हर एक बॉडी फ्लूइड में, सारे बॉडी फ्लूइड में होते हैं। इनका क्या काम होता है? बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि नंबर वन, इलेक्ट्रोलाइट आपके शरीर में बैलेंस करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी आपके शरीर में होगा, कितना रुकेगा, कितना बाहर निकल जाएगा, कितना आप रिटेन करेंगे, ये बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स डिसाइड करते हैं। आपके शरीर में एसिड बेस पीएच लेवल कितना होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसाइड करते हैं। आपके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स, यानी सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसाइड करते। होंगे तो घुसेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बगैर नहीं घुस सकते। आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर इलेक्ट्रोलाइट के बगैर नहीं आ सकते। सोचिए कितने ज़रूरी है, खाना प्रॉपर लगे शरीर को उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, खाना इलेक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर एक्सक्रीट हो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और यहाँ तक कि आपकी नर्व्स, आपकी खून की, आपके मसल्स, इलेक्ट्रिकल नर्व्स, मसल्स, आपकी हार्ट, आपके ब्रेन, इन सब के फंक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बगैर ये भी फंक्शन नहीं करेंगे सही तरीके से। सो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सी चीज़ें हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं सोडियम, जी हाँ, नमक से जो आता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इन सब में चार्ज होता है। और आपको ये कहाँ से मिलते हैं? खाने पीने की चीज़ों से। आप रोज़मर्रा के खाने पीने में इन सबको लेते हैं और या तो खाते हैं या पीते हैं, राइट? इनका लेवल आपकी बॉडी में कम ज़्यादा हो सकता है, और अगर इनका लेवल बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इससे क्या होगा, अगर आप मान लीजिए आपके कोई भी ये सारे काम स्लो हो जाएंगे, यानी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट आना जाना, नर्व कंडक्शन, मसल प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है, एसिड इम्बैलेंस आपकी बॉडी में, वाटर रिटेंशन, ये सब हो सकता है इससे। ये कब होगा? नंबर वन रीज़न काफ़ी हद तक कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेते हो, पीते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। सिर्फ पानी, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, क्योंकि पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो सकते हैं। हर पानी इलेक्ट्रोलाइट फुल नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, राइट? सो पानी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो सकते हैं। और अगर आप अमाउंट, क्योंकि ये बात याद रखिए, अगर आपके शरीर में द अमाउंट ऑफ वाटर विच यू बेसिकली टेक इन शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर विच यू लूज, राइट? अगर इस बैलेंस को कोई अपसेट करता है, मान लो जितना आप पी रहे हो, जितना आप निकाल रहे हो, उस बैलेंस को कोई अपसेट करता है, तो आपको अगर कम पानी हो गया तो डिहाइड्रेशन, ज़्यादा पानी हो गया तो ओवर हाइड्रेशन, राइट? ये सब चीज़ बहुत सारे मेडिकल कंडीशन में भी होती है, जैसे आपको उल्टियाँ आ गई, पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन, डायरिया हो गया, पानी निकल जाएगा, पसीना निकला, पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं। इसके अलावा आप कोई दवाई ले रहे हैं, दवाई से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट निकल सकते हैं। लिवर किडनी के डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को अपसेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, अगर प्रॉब्लम आती है ऐसी, तो उसके इम्बैलेंस को बैलेंस करना ही ट्रीटमेंट होता है, और उसका कारण ढूंढना। वॉमिटिंग कारण है तो वॉमिटिंग रोकना, डायरिया कारण डायरिया रोकना, डायरिया रोकना, उल्टी या लिवर खराब है, किडनी खराब है, उस कारण को रोकना ज़रूरी है, और उस कॉम्प्लिकेशन को रोकना ज़रूरी है, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर पोटेशियम में गड़बड़ी आ जाए, हाइपरकैलेमिया से हार्ट लिटरली फड़फड़ा के रुक सकता है, हाइपरकैलेमिया से। सोडियम कम हो जाए तो दिमाग का इंसान कोमा में जा सकता है, दिमाग सुन्न हो सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो सकती है और कोमा में भी जा सकता है इंसान। सो इतने पावरफुल चीज़ हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में प्रॉब्लम हो तो मस्कुलर पेन, ये पेन, वो पेन, यहाँ तक बहुत सारे कॉमन रीजंस, कॉमन सिम्टम्स इनके वजह से होते हैं। इतने ज़रूरी हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इसके बारे में जानना ज़रूरी था। और आगे नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में और वीडियोज़ बनाएंगे। तो देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।